श्री रंगपंचमी दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ जर्नल इंग्लिश कुछ इम्पोर्टेंस एक्सट्रैक्ट्स लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आना ही है। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक्स और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं इसे शुरू करता हूँ। ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, पोएम फर्स्ट। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, पोएम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टू दोज नियरेस्ट मी, माय फैमिली, my friends, my co-workers, help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am listening to me. Means to those nearest me, वे जो मेरे करीब हैं, my family, my friends, my co-workers, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे सहपाठी। help me to be aware that, मुझे के प्रति जागरूक रहना सिखाइए। no matter what words I hear, मैं क्या सुनता हूँ, टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे नज़दीक हैं उनको, जो मेरे टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे नज़दीक हैं उनको, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, जागरूक रहने में मेरी सहायता कीजिए। जो कुछ मैं सुनूं, उसे एक ही संदेश मिले, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करो, मुझे सुनो। टू दोज नियरेस्ट मी, वे जो मेरे करीबी हैं, माय फैमिली, मेरा परिवार, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, माय कोवर्कर्स, मेरे सहपाठी। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे उन्हें सुनना, जागरूक रहने में मेरी मदद कीजिए। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, जागरूक रहने में मेरी मदद कीजिए। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनूं, उससे एक ही संदेश मिले, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो, मुझे सुनो। टू दोज नियरेस्ट मी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये पोएम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टू दोज नियरेस्ट मी, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, वे जो मेरे करीबी हैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे जागरूक रहने में मदद करो। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, मैं जो भी सुनूं से स्वीकार करूं, मैं जैसा भी हूं
ये एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, मैं जैसा भी हूँ मुझे सुनो, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो मुझे सुनो, मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो मुझे सुनो। यहाँ नियरेस्ट वर्ड, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसमें अ सिमिलर वर्ड इन द मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स ध्यानपूर्वक। इसमें आपको अटेंटिव का सिमिलर मीन्स सिनोनिम्स वर्ड फाइंड करना है, जिसका आंसर आपको ऊपर फर्स्ट लाइन में दिया है टू दोज नियरेस्ट। तो सिमिलर मीनिंग, द अपोजिट वर्ड इसमें पूछा जाता है अटेंटिव का अपोजिट, तो आपको केयरलेस लिखना है। इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं कि सिमिलर वर्ड टू द अटेंटिव मीनिंग, प्रिवेंटिव, एक्टिव, अवेयर, जागरूक, कोवर्कर्स, सहपाठी। तो अवेयर इज योर आंसर। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द फारदेस्ट, फारदेस्ट का अपोजिट मीनिंग, नियरेस्ट, स्वीटेस्ट, डियरेस्ट, अटमोस्ट। तो अपोजिट ऑफ द वर्ड फारदेस्ट इज नियरेस्ट। व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, जो हमारे करीबी है हमें क्या संदेश देते हैं। द संदेश इज दे गिव अस मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन एंड बी एक्सेप्टेड एज दे आर। तो आंसर होगा इसका दे गिव अस संदेश, दे गिव अस द मैसेज टू दे, तो आंसर बनाया जा सकता है कि हम दे लगा दें, हु की जगह दे, दे आर अवर नियरेस्ट गिवर्स। द मैसेज दे गिवर्स, द मैसेज दे गिवर्स, द दे गिवर्स मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसेंड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर। संदेश है कि उन्हें सुना ही जाना चाहिए और मस्ट बी एक्सेप्टेड, स्वीकार किया जाना चाहिए, ये जैसे भी हैं चाहिए स्वीकार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ द पोयम, पोयम का नाम, द नेम ऑफ द पोयम टीच मी टू लिसन लॉर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 5 Age. The word opposite. Last question number F. The poet wants us to listen to those nearest or farthest in these stanza. फर्स्ट द पोइट वॉन्ट्स टू लिसन द नियरेस्ट पर्सन। इस स्टेंजा में कभी पहले नियरेस्ट लोगों को सुनना चाहता है, इसलिए योर आंसर इज नियरेस्ट।